आज हमने खीर तैयार की है, बहुत मज़ेदार, बहुत आसान तरीके से। और किस तरह तैयार की है, क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन आपने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना है और आल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा आपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके मुझे बताना है कि रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। इसके अलावा आपने वीडियो को शेयर भी करना है और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें, मुझे वॉच टाइम की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ तावन कीजिए, सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, लाइक लाजमी करें, मेरी हौसला अफज़ाई होती है। तो चलिए ये खीर जो है वो तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते खुशोखुर्रम होंगे। आज मैं बना रही हूँ खीर, बहुत ही आसान तरीके से बनाऊँगी खीर। तो एक कप से कम है ये चावल, ये कच्ची बासमती है, टोटा चावल है। तो मैंने इसको तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले भिगो दिया था और ये देखें ये इस तरह टूट रहे हैं, ठीक है, ऐसे हाथ से मसलें तो ये टूट रहे हैं। तो अब मैंने इसका पानी निचोड़ दिया और इसको मैं दरदरा सा ग्राइंड करूँगी, थोड़ा सा दूध या पानी डालकर इसको मैं दरदरा कर लूँगी, मुकम्मल नहीं, पेस्ट बनाना है इसका। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 किलो दूध है जिसको मैंने पकने के लिए रख दिया है, इसको बॉयल आता है तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक हम चावलों को एक मोटा सा दरदरा सा ग्राइंडर में डालकर कर लेते हैं। जी देखिए दूध को बॉयल जो है ना वो आ गया है और तकरीबन 3-4 मिनट हो गए हैं, दूध इसी तरह पक रहा है। तो अब यहाँ पर जो हमने एक दरदरा सा पेस्ट बनाया है थोड़ा सा दूध शामिल करके, ये देखें ये मुकम्मल नहीं पीसे हैं चावल, ठीक है, एक दरदरा सा पेस्ट है इसका बन गया है। तो ये चावल जो है ना हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है, ये वाला पेस्ट हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे हमने डाल दिया। और अब हम ना इसको स्लो फ्लेम पर पकाते रहेंगे, ठीक है, और चम्मच साथ साथ चलाना है ताकि नीचे ना लगे ये, ठीक है जी। और इस काम में तकरीबन हमें लगेंगे 15 से 20 मिनट, बहुत स्लो फ्लेम पर पकाना है और चम्मच चलाना है ताकि नीचे ना लगे। अगर खीर नीचे लग जाएगी तो वो एक मज़े का टेस्ट जो है वो नहीं आएगा, जलने की खुशबू बहुत तेज़ होती है खीर के अंदर। अच्छा जी, खीर हमारी पक रही है आहिस्ता आहिस्ता और स्लो है फ्लेम, और साथ साथ चम्मच जो है वो मैं मुसलसल चला रही हूँ। और आप देख रहे हैं कि अभी तक जो है ना इसमें शक्कर मैंने शामिल नहीं की, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस पॉइंट पर आपने इसमें चीनी जो है वो शामिल करनी है। तो इलायचियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं मुँह खोल कर इलायचियों का, तो ऐसा ऐसा जो है ना ये गाढ़ी हो रही है, ये देखें ये गाढ़ा हो रहा है दूध, क्योंकि चावल जो थे हमारे ग्राइंडेड थे और मतलब मुकम्मल ग्राइंड नहीं थे। तो अब हम इसमें केवड़ा डालेंगे तकरीबन 1 या 2 ड्रॉप्स, बस इतना केवड़ा डालेंगे खुशबू के लिए, तो एक अच्छी सी खुशबू इसमें आने लगेगी। तो फ्लेम को हम मज़ीद लो कर देते हैं और इसको पकने देते हैं इसी तरह, और इसको चम्मच जो है वो साथ साथ चलाते रहेंगे। अच्छा जी, तकरीबन 15 से 17 मिनट हो गए हैं खीर को पकते हुए स्लो फ्लेम पर, और मुसलसल मैं इसमें चम्मच चलाती रही हूँ, मुसलसल तो नहीं थोड़ी देर बाद चला देती हूँ, बस खीर को जो है ना वो जलना नहीं चाहिए, नीचे नहीं लगना चाहिए, वरना इसकी खुशबू जो है वो सबको पता चल जाती है कि खीर जल गई है, ठीक है। तो ये देखें गाढ़ी हो गई है काफ़ी माशाल्लाह, और अब जो है ना इसमें ये देखें ये इस तरह ये फट रही है, बबल्स जो आते हैं तो वो फटते हैं, इसके छींटे आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच घी डालेंगे, ठीक है, 1 चाय का चम्मच तकरीबन हम इसमें घी डालेंगे, और इससे जो है ना इसका टेक्सचर जो है वो बड़ा ही मुलायम सा हो जाएगा, बड़ा क्रीमी क्रीमी सा और चिकना सा हो जाएगा थोड़ा, तो इससे ना बड़ी अच्छी खीर बन जाती है। तो ये हमने इसमें डाल दिया और इसको थोड़ा सा चला लेंगे, एक शाइन सी आ गई है इसमें, देखें एकदम से इसमें एक शाइन सी आ गई है। और अब जो है ना हम यहाँ इस पॉइंट पर हम शामिल करेंगे चीनी, तो तकरीबन 1/2 से 1.25 कप चीनी है फ़िलहाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम चेक करके डाल लेंगे मीठा, अगर हमें कम लगा तो हम मज़ीद डाल लेंगे। तो चीनी डालने से जो है ना एकदम से ये थोड़ी सी पतली हो जाएगी, क्योंकि चीनी पानी छोड़ेगी, तो जितनी गाढ़ी होगी थी अब ये उतनी थोड़ी सी पतली हो जाएगी। तो हम इसको मज़ीद चला रहे हैं थोड़ा सा, और अच्छा जी अब जैसे जैसे चीनी मेल्ट होती है और ये पतला होता जाएगा इसका टेक्सचर, तो हम जो है ना अभी यहाँ पर शामिल करेंगे, ये देखें कुछ मेवा ज़्यादा है, किशमिश है मैंने धो लिया है, साफ़ कर लिया है, और
कुछ मैंने ये काट लिया है नारियल, तो आप अपनी मर्ज़ी के मेवा जार जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छे लगे। तो कुछ मैंने गार्निशिंग के लिए रख लिया और बाकी जो है ना यहाँ मैंने डाल दिए हैं। और ये देखिए जो इतना गाढ़ा हो गया था तो इसका टेक्स्चर दोबारा से पतला हो गया है, तो हम चलाएँगे मुसलसल अभी, जितना गाढ़ा हमने करना है फिर हम उतार लेंगे उतना करके, ठीक है। और एक खुशबू आ रही है मज़े की बहुत, और खीर जो है ना वो ठंडी खाई जाती है, ठंडी खीर खाने में मज़ा आता है, गर्म खीर खाने में मज़ा नहीं आता। तो हम इसको ठंडा भी करेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ जी, तो इस पॉइंट पर आके हम खीर जो है हमारी गाढ़ी होगी, तो इस पॉइंट पर आके हम इसमें डालेंगे खोया। तो अगर आपके पास खोया मौजूद नहीं है तो बेशक ना डालें। तो खोया हमने डाल दिया है और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छा सा। और अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह खीर काफ़ी गाढ़ी हो गई है और मीठा भी जो है वो मैंने चेक कर लिया था, मीठा भी बिल्कुल ठीक है। तो आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा डालें। तो इस पॉइंट पर आके मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और हम इसको गार्निश करके इसको मैं निकाल कर मिट्टी के बर्तन में फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखें खीर जो है ना वो मैंने डाल दी है बर्तन में, ये देखें मिट्टी के बाउल में मैंने डाली है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आता है ठंडी ठंडी खीर मिट्टी के बर्तनों में जमाएं और खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। तो और ये बच्चों के लिए जो है ना, ये मैंने छोटी छोटी प्यालियाँ हैं मिट्टी की, इसमें मैंने खीर जमा दी है तीनों बच्चों के लिए। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बताएं वीडियो आपको कैसी लग रही है। इसके अलावा आपने वीडियो को शेयर भी लाजमी करना है। तो लाइक का बटन दबा दीजिए और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।